है एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज की अमेजिंग वीडियो के सफर पर। हमारी आज की कहानी का नाम है ट्रॉफी हस्बैंड, माने एक शोपीस जिसे बस दिखावे के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस कहानी के कैरेक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहले तो है हमारा इबो, रॉयल पांग फैमिली का छोटा बेटा। कहने को तो उसका इंटरेस्ट रेसिंग में है, कार और बाइक दोनों भी, बट इसके अलावा वो एक पूरा पार्टी एनिमल है। फैमिली बिजनेस है तो उसे उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, लाइफ लग्जरी है, पर उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में ही मगन है। इसी तरह से वो आज पर्पल लोटस होटल में आया है, बेड पर लेटा हुआ है अच्छी तरह से प्रिपेयर होके, और अपने टॉय का इंतज़ार कर रहा है जो कि आने में काफ़ी लेट हो चुका है। इबो पेशेंटली अभी भी उस बंदे का इंतज़ार कर रहा है। वैसे उसने प्रोफाइल पिक तो नहीं देखी थी, उसने बस अपने मैनेजर से कहा था किसी अच्छे से बंदे को रूम 1823 में भेज दे। वेल, इबो के लिए ये बात कुछ अलग तो थी नहीं, माना कि इबो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं करता, उसे स्किनशिप भी ज़्यादा पसंद नहीं है, बस कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो कभी कभार वो ऐसे नाइट्स अरेंज करता है जिसे वन नाइट स्टैंड कहा जाता है। वैसे उसे बाकी की चीप हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है कि क्लब में जाओ, किसी को ढूंढो, उसका पीछा करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो और फिर वो तुम्हारे गले पड़ जाए। इबो का बिल्कुल सीधा मामला है, किसी एस्कॉर्ट को बुलाओ, उसकी सर्विसेस लो और फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसे ज़िंदगी में झंझट बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। वेल, जिस तरह की लाइफ वो जीता था वहाँ पर ये सारी माथापच्ची करे भी कौन। वैसे भी उसकी शादी के लिए घर वाले पीछे पड़े हुए थे और एक निहायती बकवास बंदे को उसके लिए ढूंढा था। I mean, लुक एट इबो, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, और आप उसके लिए किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हो जो कि निहायती चिपकू है, बिल्कुल बिजनेस टाइप्स। शक्ल से ही लगता है कि ज़रूर भीख मंगा रहा होगा, ना अपने पेरेंट्स के आगे जाता है, ना ही खुद के लिए स्टैंड ले पाता है। सबके सामने तो इतना गुड बॉय बनकर रहता है कि इबो को उसकी शक्ल देखकर ही उल्टी आने लगती है, और अकेले में इबो पर रौब झाड़ने की कोशिश करता है। I mean, उसने समझ क्या रखा है इबो को, ये हमारा कूल का वांग इबो है जो बिल्कुल अनटेम्ड है, किसी की भी बात नहीं मानता, तो फिर वो किसी ऐरे गहरे को अपने ऊपर हुक्म चलाने देगा। लेकिन उसके पेरेंट्स थे कि उसे इंसिस्ट किए ही जा रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए एक फ़ायदे की डील होगा। पर इबो इन सब चीज़ों में बिलीव तो नहीं करता। अगर घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा भी दी तब भी इबो को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो अपने हस्बैंड को अपने पैरों के जूते के नोक पे रखता है, वो उसे अपने लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करने देगा, ना ही इबो की ज़िंदगी में वो कभी भी इंटरफेयर कर पाएगा। तो इबो को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, बस वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसके परिवार को एक अच्छा नमूना भी नहीं मिला, मतलब जो बंदा आपको डेट पर एक ओपरा ले जाता हो, उन चिल्लाती हुई मोटी मोटी लेडीज़ को देखने, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ये बंदा निहायती बोरिंग था और इबो को अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सामने साफ दिखाई दे रही थी। बिजनेस डील के चलते वो ना तो डिवोर्स ले पाएगा, ना ही उस बंदे के साथ एडजस्ट कर पाएगा, पर वो कर भी क्या सकता है। फैमिली प्रेशर में आके उसे शादी तो शायद से करनी ही पड़ेगी जब तक कि उसे एक बेटर ऑप्शन नहीं मिलता। बट चलो, ओपरा होने के बाद उसने अपने सो कॉल्ड मंगेतर को गुड बाय किया और सीधा इस पर्पल लोटस होटल में आ गया। अपने मैनेजर को फ़ोन करके बता दिया कि वो उसके लिए कोई एस्कॉर्ट भेज दे, क्योंकि आज ही वो बहुत स्ट्रेस में है और वो किसी भी हालत में स्ट्रेस रिलीफ चाहता है, तो वो इंतज़ार कर रहा है। पर कुछ टाइम बाद उसके डोर पर नॉक हुआ, नहीं वो सीधा खुलकर एक बंदा सामने से अंदर की तरफ झांका। इबो ने देखा तो
प्रिटी गुड लग रहा था। कम इन, इवो ने कहा। तो वो बंदा एक कदम आगे बढ़ा। इवो ने गहरी सांस छोड़ी और बोरियत भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर एक काफ़ी चार्मिंग पर्सन खड़ा था, जिसे देखकर एटलीस्ट इबो के माथे की नस तो नहीं फटी। अच्छा लड़का था, तो इबो ने बस उसे ऑर्डर देना शुरू किया, इधर आओ। वो लड़का तुरंत इबो की तरफ देखकर बोला, मैं? इबो ने कहा, हाँ तुम रूम में आ ही गए हो तो इधर भी आओ, अपना काम करो। उस लड़के के चेहरे पर शौक और असमंजस साफ दिखाई दे रहा था, पर इबो ने अपने ऑर्डर्स देना जारी रखा। सबसे पहले तो उसने उस लड़के से कहा, स्ट्रिप, अपना जैकेट उतारो। तो उस लड़के ने ज़्यादा कुछ सोचे बिना बस अपनी जैकेट उतार कर पास वाले आर्म चेयर पर रख दी। इबो ने कहा, अपनी टाई भी उतारो। वो लड़का एक बो टाई लगा कर आया था, तो उसने इबो के कहे अनुसार वो बो टाई भी हटा दी। अब इबो ने अपने पास वाले ड्रावर में कुछ ढूंढा, वहाँ पर उसे एक लेज़र भी मिली। तो उसने उस लेज़र से उस लड़के के बॉडी पर जगह जगह पॉइंट करना शुरू किया और उसे कहा कि वो उस लेज़र को पकड़े। अब उस लड़के के चेहरे पर भी स्मर्क आ गया। तो इबो ने जहाँ जहाँ लेज़र पॉइंट किया, वो लड़का अपने हाथों से खुद की ही बॉडी को ट्रेस करने लगा और इबो सामने का शो एंजॉय करने लगा। कुछ देर बाद उस लड़के का फ़ोन बजा, तो इबो ने उस लेज़र बीम को उस लड़के की तरफ फेंकते हुए कहा, स्विच ऑफ द डैम थिंग नाउ, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है? ये डैम मैनेजर भी ना सारे मूड का कबाड़ा कर दिया। अब उस लड़के ने तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर इबो के सामने आकर खड़ा हुआ। आई एम सॉरी, वो इबो से बोला। इबो ने कहा, सॉरी माई फुट, गेट आउट ऑफ हियर नाउ, वरना तो खुद मुझे भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऑलराइट, उस लड़के ने कहा और तुरंत इबो को कमर से पकड़कर ऊपर उठाया, बिल्कुल अपने सामने। वो लड़का इबो से थोड़ा बड़ा था हाइट, बॉडी और ताकत में भी, तो इबो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाया। साथ ही उसे ये डोमिनेंस अच्छा लगा। अब तक तो हर किसी को इबो ही ऑर्डर देता आया था, किसी ने भी इबो को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया था, तो उसे पता भी नहीं था कि सबमिशन क्या होता है। इबो एक टक उस स्ट्रेंजर की आंखों में देख रहा था और अचानक से उसकी आंखें चमक उठीं। तो उस स्ट्रेंजर ने भी इस चीज़ को ग्रीन सिग्नल मानकर इबो को वापस से बेड पर फेंक दिया। इबो उछलकर आश्चर्य से स्ट्रेंजर की तरफ देखने लगा, तो वो स्ट्रेंजर आगे बढ़ा, इबो की तरफ लीन हुआ और इबो के फेस को ट्रेस करते हुए बोला, शुरुआत तुमने की थी, ख़त्म मैं करूँगा, मुझे आधे अधूरे काम पसंद नहीं है। अब इबो ने वापस से अपना डोमिनेंट रूप लेने की कोशिश की। उसने उस स्ट्रेंजर को पिन करने की कोशिश की, पर उस स्ट्रेंजर ने इबो को बहुत आसानी से ओवरपावर कर दिया। उसके दोनों हाथ बेड पर ऊपर की तरफ पिन कर दिए। कुछ ही पलों में इबो के हाथ हेडरेस्ट के साथ बन चुके थे। इबो पूरी तरह से उस स्ट्रेंजर के मर्सी पर था और इबो को ये सब काफ़ी इंजॉयबल भी लग रहा था। वो रात काफ़ी लॉन्ग रही, इतनी लॉन्ग कि इबो थक कर कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली, उसने उस एस्कॉर्ट बॉय को ढूंढने की कोशिश की, पर शायद से उसका काम ख़त्म हो चुका था और वो वापस भी जा चुका था। इबो ने उसे पे भी नहीं किया था। वैसे इबो इस बात के लिए श्योर था कि वो इस एस्कॉर्ट बॉय से दोबारा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कल की रात सच में काफ़ी हसीन थी। इबो को बहुत मज़ा आया था और वो दोबारा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ज़रूर इसी एस्कॉर्ट बॉय को प्रेफर करेगा। वेल, उसे अभी तो यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसकी डैम फैमिली उसका इंतज़ार जो कर रही होगी। फिर से वही शादी और बिजनेस डील की बातें।
इवो फिर से एक बार वही सब सर दर्द फेस करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। माना कि वो काफ़ी सोर था, उसे पेन भी हो रहा था, पर अभी रुकने का कोई चांस नहीं था। इवो को अपने मेंशन वापस जाना ही था, तो वो बस पेन किलर लेकर वहाँ से निकल गया। जल्द ही अपने मेंशन पहुँचा तो उसकी फैमिली पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। ऑब्वियसली उन्हें फिर से एक बार इवो का दिमाग चौंकाना था। वो फिर से एक बार उसे लेक्चर करने लगे कि किस तरह से उसके बड़े भाई ने एक बिजनेस डील के लिए अच्छे से घर में शादी की है, कैसे उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, इवो को भी नहीं होगी, क्योंकि ये लड़का भी लाखों में एक है। जिस तरह के इवो की बॉडी कंडीशन है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। एटलीस्ट ये लड़का उसे अपनाने के लिए तैयार तो हुआ है। देखा जाए तो कई सारे बिजनेस टाइकून्स हैं जिनकी बेटियां इवो पर अपनी जान छिड़कती है, उसके फ्रेंड लिस्ट में भी शामिल है, पर इवो तो ठहरा के उसे लड़कों में इंटरेस्ट है और वो लाइफ टाइम के लिए सिंगल भी नहीं रहना चाहता। वो मैरिज करके बिल्कुल आम सी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर भी उसकी यही कंडीशन है कि वो शादी करेगा, तब तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा वाले सो कॉल्ड फेवरिज्म ब्रदर जोन भी शामिल होते हैं। तो उसके फैमिली को मजबूरन ये रिश्ता देखना पड़ रहा है। सभी लोग इबो को यही समझा रहे थे कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी इबो की केयर कर रहे हैं, बस इबो के ही नखरे हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इबो बस उनकी तरफ बोरियत से देखते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसकी बॉडी भी साथ नहीं दे रही थी, उसे तो सोना था, बस ये लेक्चर्स ख़त्म हो जाए और वो चुपचाप अपने रूम में जाकर सोए। वो टाइम गिन रहा था जब तक उसके फादर, मदर, अंकल सब लोग फ्री हैं और इवो को लेक्चर सुना सुना कर थक नहीं जाते। वो चुपचाप बैठा रहा स्टबन की तरह। उसकी फैमिली भी जानती थी इवो कितना ज़िद्दी है, किसी की भी बात नहीं मानेगा, अपनी ही मर्ज़ी चलाएगा। उसे परवाह नहीं है कि इन लोगों की डील कैसे जाती है, ना ही उसे इस बात की परवाह है कि उसकी शादी कभी होगी या नहीं। बस वो किसी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता और इसी बात के उसकी फैमिली बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वो नहीं चाहते कि किसी दिन इवो को किसी रैंडम गाय के साथ पकड़ा जाए और फिर वो Page 3 पर वायरल हो। वेल, इवो ने ऑफ़र भी किया था कि वो उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ देगा। वो अपनी रेसिंग के साथ बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, बिजनेस से उसे कोई लगाव नहीं है। चाहे तो फैमिली उसे घर से निकाल सकती है, उनके पास उनका वारिस है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फैमिली को। बस ये फैमिली ही है कि उसे बस एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रही है, पूरा फ्रस्ट्रेशन उसी पर जो निकाल रही है। तो इवो को मजबूरन ये सब सहना ही पड़ रहा है। वो चाहकर भी अपने उस हार्ड अर्न पेंट हाउस में नहीं जा सकता जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, अपने पैसों से ख़रीदा था। पर कुछ टाइम बाद ये सब कुछ ख़त्म हुआ और फाइनली इवो अपने रूम में जा सकता था। उसने अपने मैनेजर को भी बता दिया था कि वो आज ट्रैक पर नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत थक चुका है, एग्जॉस्टेड है, थोड़ी रिकवरी करना चाहता है। और हाँ, मैनेजर से उसने थैंक्स भी कहा इतना बेहतरीन एस्कॉर्ट बॉय भेजने के लिए। ओह थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। वैसे मैंने आपका आज का तो शेड्यूल क्लियर कर दिया है, क्या आप कल तक रिकवर हो जाएंगे? उस मैनेजर ने पूछा। इवो ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय रिकवर? मैनेजर ने कहा, एक्चुअली सर कल चैरिटी इवेंट है, आपको वहाँ पर आपके मंगेतर के साथ जाना है, तो क्या आप तब तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ गेम्स भी खेलने होंगे, मीडिया भी होगी, आपको कवर किया जाएगा अच्छे से। इवो ने कहा, ठीक है कल की कल देखते हैं, बस मुझे उठाने के लिए आ जाना। ओके सर, हैव ए गुड टाइम, कहते हुए मैनेजर ने कॉल कट कर दिया, जिसके बाद इबो ने एक लंबी और आरामदेह नींद ली। अगली सुबह मैनेजर के आने पर ही इबो उठा, प्रिपेयर हुआ और उस ऑर्फनेज में चला गया जहाँ पर उसे चैरिटी इवेंट का वो ड्रामा भी अटेंड करना था, वो भी अपने उस सो कॉल्ड मंगेतर के साथ। इबो को ऐसे दिखावे की चीज़ों से बहुत नफरत थी,
दिल से। अगर उसके बस में होता तो वो कभी भी ऐसी चीज़ें होने ही नहीं देता। ऑर्फनेज जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, उसकी कंडीशन देखी है। बस ये अमीर लोगों के आने के टाइम पर सभी चीज़ों को मीडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट किया जाता है, और मीडिया के जाने के बाद उन बच्चों के साथ क्या होता है, गॉड नोज। देखा जाए तो ये वो कभी कभार यहाँ पर आ जाया करता था, सबसे छुप कर, खासकर मीडिया से अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया करता था। बच्चों के बीच में उन्हें स्केटबोर्डिंग सिखाया करता था। उसने काफ़ी सारे स्केटबोर्ड्स उन बच्चों को दिए भी थे जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। वो इन्हें फंड भी करता था बिना किसी के नज़र में आए। वैसे यहाँ पर एक टीचर थी, म्या म्या, जो इबो को काफ़ी पसंद थी। वो भी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इबो ने उसे ऑर्डर्स दिए थे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो म्या म्या सीधे इबो से कांटेक्ट कर सकती है। और ऐसे रियल सिचुएशंस में इबो हमेशा एक पैर पर उन बच्चों की हेल्प के लिए तैयार रहता था। वरना तो यहाँ पर जो भी मीडिया को बुलाकर तमाशे किए जाते थे, इबो उसके बिल्कुल खिलाफ था। और कुछ ऐसा ही तमाशा अब भी चल रहा था। इबो बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें गिफ्ट कर रहा था जो उसके डैड के द्वारा स्पॉन्सर की गई हैं, चीज़ें जैसे कि कपड़े और कुछ ज़रूरती सामान, कुछ खाने की चीज़ें। इन सबको स्पॉन्सर करते हुए ये तक नहीं देखा गया कि इन सबको क्या सच में इसी की ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत कौन देखेगा। देखना तो ये है कि मीडिया में किस चीज़ का पीआर चलता है जो ज़रूरी है। और इसीलिए तो इवो यहाँ पर है, अपनी इस ज़बरदस्ती के वेडिंग को एक लव मैरिज दिखाने के लिए, सब लोगों को ये जताने के लिए कि इवो कितना अच्छा है, उसका फियांसे कितना अच्छा है, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। इन दो ग्रुप्स का मिलन समाज के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। पूरा का पूरा पीआर ड्रामा। बस इबो वही खड़ा खड़ा ये सब सह रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र गई सामने के एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए लड़के पर, जो उसे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। ऑब्वियसली इबो उसे कैसे भूल सकता था। उसकी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल नाइट जो उसने इस आदमी के साथ गुजारी थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे पुकार नहीं सकता था। क्या कहकर पुकारेगा, स्कॉट बॉय? उसे यहाँ देखकर कोई ये सोचेगा कि ये स्कॉट का काम भी करता है? नाम तो इवो को उसका याद ही नहीं था, या शायद उस लड़के ने बताया ही नहीं था। बताया भी होता तो क्या तब इवो इतने सेंस में था कि वो कुछ भी समझ पाता? वेल, उसे यहाँ देखकर इवो को काफ़ी अच्छा लगा। वो उसे पुकारना तो चाहता था लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। कुछ देर बाद वो लड़का जब मुड़ा तो उसकी नज़रें अपने आप ही इबो पर गई, तो वो खुद ही वहाँ से दूर चला गया। इबो सोचता रहा कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उसके लिए एक थ्रेट हूँ। शायद से वो कोई मजबूर होगा, अपनी स्कॉट बॉय वाली आइडेंटिटी छुपाना चाहता होगा। ये सोचकर इबो ने भी उसे कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम बाद वही ऑर्फनेज में ही लंच का भी आयोजन किया गया था। ऑब्वियसली अ गुड पीआर कि इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा ऑर्फन बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। इन बेचारे असहाय अनाथ बच्चों के लिए लग्जरियस लंच का प्रिपरेशन किया है। पर इबो को अच्छे से पता था, ना तो ये बच्चे उतने बेसहारा थे ना ही उतने असहाय थे। यहाँ का ओनर इन बच्चों को अच्छे से देखता था, उनके चॉइसेस पर, पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दिया जाता था। यहाँ पर अच्छे अच्छे मेंटोर भी रखे गए थे, जिनमें से एक मैम्या थी। तो इबो को एक टाइम पर तो ऐसा भी लगा कि उसके दिए हुए गिफ्ट कुछ टाइम बाद उसे डस्टबिन में भी मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ बच्चे तो काफ़ी नकचड़े भी हैं। ऑब्वियसली उनकी इबो के साथ बहुत अच्छे से बनती थी, और ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं इबो की ही देन थी। वेल, अब इबो वॉलंटियर करने लगा खाना सर्व करने में। उसका फैंस तो बस आड़े टेढ़े पैर करके मोबाइल में कुछ देख रहा था।
उसे कोई परवाह नहीं थी कि बच्चे ठीक से खा भी रहे हैं या नहीं। पर यहाँ इबो था जो खुद से उन बच्चों को सर्व करने के लिए गया था। कुछ टाइम बाद उसने पाया कि वो अकेला नहीं है, वो एस्कॉर्ट बॉय भी उसके साथ इन बच्चों को लंच सर्व कर रहा है। इम्प्रेसिव, इबो बुदबुदाया। सभी बच्चों का खाना हो गया और इबो को भी उस एस्कॉर्ट बॉय से कुछ बातें करने का मौका मिला। ओ हाय, इबो ने कैजुअली उस लड़के को एक्नॉलेज किया तो उसने भी वापस बस हाय कहा, हल्के से नोट किया। तो इबो ने कहा, ओ तो तुम यहाँ पर काम करते हो? वो लड़का कुछ बोले इससे पहले ही इबो की ट्रेन शुरू हो गई। उसने कहा, जाहिर सी बात है अपनी नाइट शिफ्ट को तुम ऐसे लोगों के सामने खुलकर बोल तो नहीं सकते होगे, तो उसे कवर करने के लिए कोई ना कोई डे टाइम जॉब भी तो चाहिए होगा। वो लड़का फिर से शॉक होकर इबो की तरफ देखने लगा और तभी इबो ने अपने फियांसे की तरफ देखा जो अभी भी उसी हालत में बैठा हुआ था, जिसे देखकर इबो के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव आए कि वो सोच रहा था, मैं इस आदमी को उठाकर फेंक दूँ तो? इसे अगर कचरे में फेंक दिया जाए तो कोई उसे अलग से पहचाने का भी नहीं है। फिर उसके चेहरे को शायद से कोई और भी पड़ रहा था। उस एस्कॉर्ट बॉय ने कहा, मिस्टर वांग, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं? इबो अपने ही ख्यालों में था। उसने कहा, सोचना पड़ता है जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों। बकवास, बेवकूफ। तो उस एस्कॉर्ट बॉय ने कहा, क्या बात है मिस्टर वांग, क्या आपकी भी ज़बरदस्ती शादी हो रही है जैसे कि ड्रामास में दिखाया जाता है? इबो ने चौंक कर उस एस्कॉर्ट बॉय की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? तो उस एस्कॉर्ट बॉय ने स्मर्क करते हुए कहा, वेल आपका ध्यान नहीं है पर मैं आपके चेहरे से ही पता लगा सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। इबो ने कहा, ओ ऐसा है क्या? तो वो थोड़ा सा उस एस्कॉर्ट बॉय की तरफ लीन हुआ और बोला, तो बताओ अभी मैं क्या सोच रहा हूँ? उस एस्कॉर्ट बॉय ने हल्के से इबो की तरफ झुकते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है आप कहीं बड़ा हाथ मारने के बारे में सोच रहे हो, आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? इबो ने स्मर्क करते हुए कहा, चल तो बहुत कुछ रहा है बट हाँ ये डिपेंड करता है कि सामने वाला मेरा कहाँ तक साथ देता है। एस्कॉर्ट बॉय ने कहा, मतलब? इबो ने कहा, देखो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, कुछ ऐसे जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। वाओ क्या बात है, उस एस्कॉर्ट बॉय ने कहा। इबो ने कहा, देखो सीधी बात नो बकवास, मुझे अभी शादी करनी है, अभी मीन्स अभी इसी मोमेंट, और अगर तुम मेरे साथ शादी करते हो तो मैं तुम्हें परमानेंटली अपना एस्कॉर्ट बॉय रखूँगा। तुम एक रात के कितने कमाते होगे? मैक्सिमम 1000 युआन, तो मैं तुम्हें 30,000 युआन पर मंथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरे ट्रॉफी हस्बैंड बन जाओ, दुनिया के सामने ये दिखावा करो कि हम दोनों एक अच्छे मैरिड कपल है, मेरे पेरेंट्स से मिलो, बाकी बात ख़त्म। उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, बस जब कभी भी मुझे ज़रूरत होगी तुम्हें आना होगा, ओके? वाओ बहुत अच्छी डील है, उस लड़के ने कहा। इबो ने कहा, तो चलो चलते हैं अभी? एस्कॉर्ट बॉय ने पूछा। हाँ अभी, मैंने कहा ना ये इमरजेंसी है, इबो ने कहा। ठीक है फिर, वो एस्कॉर्ट बॉय बोला और इबो बस उसे लेके चला गया अपने फियांसे को वहीं पर छोड़कर। बेचारा पता नहीं अब कहाँ कहाँ और कैसे इबो को ढूंढेगा। इबो वहाँ से सीधा मैजिस्ट्रेट के यहाँ गया, अपनी मैरिज रजिस्टर की और जान के साथ ही अपने घर पहुंचा। जब वो घर आया तो घर में एक ही हंगामा मच चुका था। उसका सो कॉल्ड फियांसे वहां पर आकर तमाशा कर रहा था कि वो गायब हो गया, पता नहीं उसकी जान को खतरा होगा, शायद से वहां पर एक लड़का था उसी ने इबो को अगवा किया होगा, ब्ला 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 बहुत कुछ। और उसके पेरेंट्स परेशान लग रहे थे। इधर इबो अच्छे से जान के हाथ में हाथ डाले अपने पेरेंट्स के सामने आ चुका था। हे मॉम डैड, कैसे हो आप?
लुक, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, इबो ने आते ही स्मक के साथ कहा। उसके मॉम डैड दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो और वो बस अपने सन इन लॉ को देखे जा रहे थे। इबो ने कहा, वेल वेल, मैं समझ सकता हूँ मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर आप अपने मुंह बंद कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग उठते बैठते मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करो, इसलिए ये सोचना भी मत कि मैं मेरे हस्बैंड को लेके यहाँ पे रहूँगा, फिर चाहे वो कितना भी हैंडसम क्यों ना हो और आप लोग मेरे सामने कितना भी क्यों ना गिड़गिड़ाए, मैंने अपने खुद के अर्निंग से एक पेंट हाउस लिया है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं और आप सब लोग अनइनवाइटेड हो, खासकर तुम, बेवकूफ़ कही के उसने अपने फियांसे की तरफ देखकर कहा, जो खुद भी शौक होकर इबो की तरफ देखे जा रहा था। हाँ, वो प्रोटेस्ट करना चाहता था, पर अभी उसके अंकल वांग, आंट वांग कुछ भी नहीं कह रहे थे, बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। उसने कोशिश की उन दोनों को अर्थ पर लाने की, पर शायद से अब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके थे, तो वह बस पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। अपनी इंसल्ट का उसे बदला लेना था अपने पेरेंट्स से कहकर। और इधर इबो फ्लेक्स करता हुआ अपने हस्बैंड के साथ अपने कमरे में चला गया, वहाँ से अपने बैग पैक किए और वैसे ही अकड़ते हुए अपने पेरेंट्स के सामने से अपने हस्बैंड को लेकर अपने मैंशन से बाहर निकला। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, कोई इस कंडीशन में ही नहीं था। हाँ, इबो के अंकल होते तो कुछ बात बन सकती थी, क्योंकि वो काफ़ी सुलझे हुए पर्सन है, कॉमन सेंस वाले। उन्होंने ये तो इबो के पेरेंट्स को राज़ी किया था इबो की होमोसेक्सुअल मैरिज के लिए। शायद से इबो के इस डिसीजन पर भी वो उसका साथ देते, अपने भाई भाभी को संभालते, समझाते, और इबो का मैक्सिमम इस मैंशन में वेलकम तो होता, पर इबो को यह सब चाहिए ही नहीं था। वो तो बस अपनी शांति की ज़िंदगी चाहता था अपने स्कॉट बॉय के साथ। वैसे भी अगर वो मैंशन में रहेगा तो उसका सच कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, तो वो बस अपनी लाइफ में अब और कोई इंटरफेयर नहीं चाहता था। तो वो चुपचाप अपने हस्बैंड को लेके वहाँ से चला गया अपने पेंट हाउस में, वो जो काफ़ी दिनों से ऐसे ही बंद था। पूरी राइड में इबो अपने बारे में बहुत कुछ उस स्कॉट बॉय को बता रहा था। अचानक से वो रुक गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो स्कॉट बॉय बिल्कुल शांत हो गया, ड्राइवर सीट पर बैठा था, उसे सामने फोकस भी करना था, तो उसने अचानक से ज़ोर से ब्रेक प्रेस किए और रोड के किनारे गाड़ी रोक दी और इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, आओ, मुझे देखना चाहिए था मैरिज सर्टिफिकेट पर, बट मुझे समझ नहीं आया, वो काफ़ी अजीब वाली साइन थी। तो उस बंदे ने स्माइल करके कहा, शाहजहान। इबो ने कहा, ओ सो मैं क्या कहकर पुकारूँ, मिस्टर शाह या फिर जहान, सनसान? जहान का ठीक है, स्कॉट बॉय ने कहा। इबो ने कहा, ओ जहान का काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव। वैसे तुम काफ़ी मिस्टीरियस लगते हो, बट ठीक है, ऑफन लोगों के साथ हमेशा शायद ऐसा ही होता है, बात करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं मिलते होंगे ना। शाहजहान ने फिर से चौंक कर इबो की तरफ देखा। इबो ने कहा, ओ सॉरी, क्या मैंने दुखती नस पर हाथ रख दिया? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसके बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम जो चाहे जैसे चाहे रह सकते हो। वैसे भी मैं ज़्यादातर घर नहीं रहता, हमेशा रेस में रहता हूँ, रात को घर लौटूंगा, उसके बाद हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। ओके, उस स्कॉट बॉय ने कहा, जिसका नाम अब शाहजहान हो चुका है। तो इबो ने कहा, सनगर, आप घर में बिल्कुल आराम से रह सकते हो, कोई और क्लाइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑर्फनेज में जाने की ज़रूरत है, आराम से रहना अपना ही घर समझ कर, ओके? ठीक है, शाहजहान ने कहा। अब इबो वापस से अपनी बकवास पर आ गया, अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगा, और जैसे ही वो चुप हो जाता शाहजहान फिर से कोई ना कोई ऐसी बात करता कि इबो का पारा चढ़ जाता और वो फिर से
अपने पूरे घर वालों का उद्धार करता, खासकर अपने फियांसे का। उसे तो इबो ने ऐसी ऐसी गालियाँ दी थी कि शाहजहां सोच रहा था कहीं मेरे कानों से खून ना निकले। आखिरकार दोनों पेंट हाउस में पहुंच गए और अचानक से कुछ तो इबो को रियलाइज़ हुआ कि वो एक बंदे के साथ परमानेंटली एक घर में रहने जा रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हीट थी जो अचानक से उस पर हावी होने लगी और वो कांपते हुए हाथों से अपने घर का डोर खोलने लगा, जो उसे ठीक से हुआ भी नहीं। तो शाहजहां ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अचानक से इवो को फील गुड हुआ। उसने गहरी सांस ली और अपनी नई लाइफ को एम्प्रेस कर लिया। दोनों एक साथ घर के अंदर चले गए। फिर इबो ने घूमकर जान को पूरा घर दिखाया कि ये लिविंग स्पेस है, ये किचन है, ये बेडरूम है और ये गैलरी है। यहाँ पर बस इतना ही है और हाँ, यहाँ पर दो रूम हैं। अगर तुम चाहो तो सेपरेट रूम में भी रह सकते हो, चाहो तो मेरे साथ मेरे रूम में भी रह सकते हो। शाहजहां ने इस बात पर कोई भी राय नहीं दी, बस इबो से इतना कहा कि उसे शॉर लेना है और उसके पास कपड़े नहीं हैं। इबो ने कहा, डोंट वरी, मेरे पास तो है। फिर उसने अपने कपड़ों में से एक पजामा निकाल कर शाहजहां को दिया और कहा कि वो मास्टर बेडरूम का शॉर यूज़ कर सकता है। तो शाहजहां चुपचाप शॉर लेने के लिए चला गया और इबो पेंट हाउस में अपना सामान ठीक से रखने लगा। अब वो यही रहने वाला है तो उसे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी होगी, जैसे यूटेंसिल्स लाने होंगे, कुछ ज़रूरी सामान, सैनिटरी का सामान भी लाना होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ ये भी काम कर दिया जाए। इधर शाहजहां भी नहाकर बाहर आया सिर्फ टॉल में, और उसे देखकर इबो की दिल की धड़कनें तो जैसे थम सी गई। वो बस एकटक शाहजहां को ही देखने लगा। उसके बालों से गिरता हुआ वो पानी, उसके वो सिक्स पैक एब्स, वो पूरी बॉडी, हाय, इबो तो खो ही गया उसमें। तभी शाहजहां चलकर उसके करीब आता हुआ बोला, क्या हुआ हस्बैंड, हमने तो साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो तुम्हें नहीं लगता ये रिएक्शन काफ़ी लेट हो रहा है? इबो बस लाल हो चुका था, ब्लशिंग मेस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब देना चाहिए। उसने बस वहाँ से एक टॉल पकड़ा और खुद वॉशरूम में चला गया। बेचारा, पीछे से शाहजहां के हंसने की आवाज़ उसे और भी ज़्यादा एम्बेरस कर रही थी। इबो जो कूल गाय है, कॉन्फिडेंट है, उसे कोई ऐसे ओवर पावर नहीं कर सकता, और ये आदमी बस एक लुक से ही इबो फ्लैट हो गया, मेल्ट हो गया, कैसे, क्यों? इबो बाथरूम में सोच रहा था, शाहजहां का नाम लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से ये कह रहा था कि कहाँ जाओगे, रहना तो मेरे साथ ही है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा जो मेरे सामने मुंह तक खोले और तुम मुझे गिल्टी फील कराने की, मुझे एम्बेरस कराने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये सब सोचते हुए इबो अपने ही ख्यालों में था। दूसरी तरफ शाहजहां ने अच्छे से घर एक्सप्लोर कर लिया, फिर किचन में जाकर देखा तो वहाँ पर इबो ने लिटरली कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी नहीं, फ्रिज खाली था, बस ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स थे जिनमें से कुछ के कवर भी नहीं हटाए गए थे। उसका हस्बैंड शायद से दुनिया का सबसे लेजी पर्सन है। ये सोचते हुए शाहजहां ने सारी चीज़ें अनपैक की, उन पर से प्लास्टिक हटाया, साथ में बहुत सारी इंक्वायरी भी की कि उसे क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ रहने के लिए। कुछ नए कपड़े लेने पड़ेंगे, कुछ बर्तन लेने पड़ेंगे और इबो के साथ एक अच्छी सी डोमेस्टिक लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। बल यही सही सोचते हुए शाहजहां ने अपना पूरा नोटपैड ठीक से रखा और इबो के आने का इंतज़ार करने लगा। शायद से उन्हें डिनर बाहर से करना होगा या फिर शाहजहां बना भी सकता है जब तक कि उसकी पूरी शॉपिंग कंप्लीट ना हो जाए।
और उसे फिर घर भी तो सजाना होगा, ग्रॉसरी भी लेनी होगी, बहुत सारा काम है। तो वो पसीबो के आने का इंतज़ार करने लगा, ताकि आज की शॉपिंग करके वो कल से तो एक प्रॉपर डोमेस्टिक लाइफ शुरू कर सके। कुछ टाइम बाद ईबो आया, और जैसा कि उन दोनों ने सोचा था, पहले तो कुछ शॉपिंग करी, शाहजहान के लिए कपड़े खरीदे, कुछ यूटेंसिल्स खरीदे, फिर ग्रॉसरी शॉपिंग की, और फाइनली डिनर करके दोनों भी वापस आए। फिर ईबो ने सारी चीज़ें नीचे रखी और शाहजहान से कहा, तुम जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, चलो अब मैं चलता हूँ। शाहजहान ने कहा, हेलो, एक्सक्यूज़ मी, ये घर तुम्हारा है, मेरा नहीं, चलो हेल्प करो सारी चीज़ें सही से रखने में। ईबो ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इसे अपना घर समझो, ठीक है, मुझे इन सब की आदत नहीं है। शाहजहान ने कहा, डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारा ट्रॉफी हस्बैंड बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ हूँ? इबो ने कहा, तो देखो मुझ पर रूल करने की कोशिश भी मत करना। शाहजहान ने कहा, रूल नहीं कर रहा हूँ, हमारे बीच में एक डील होगी, घर के अंदर मेरे रूल चलेंगे, घर के बाहर तुम्हारे। तो अब से सही से डोमेस्टिक लाइफ शुरू करो, घर के कामों में हेल्प करो, वैसे भी मैं तुम्हें ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाला, अभी काम बहुत है, मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी सोना है। तो चलो ये ग्रॉसरी वगैरह रखने में मेरी हेल्प करो, ताकि हम दोनों साथ में सोए, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम अकेले सो पाओगे। इबो ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो जाऊँगा जहांगा। शाहजहां ने कहा, इबो तुमने बाथरूम में जो कुछ भी हंगामा किया है ना, बाहर से साफ सुनाई दे रहा था, तुम्हें लगता है मेरे रहते तुम सो पाओगे? इबो ने कहा, रूड, क्रूएल, और वो पैर पटकते हुए शाहजहां के सामने बैठ गया उसकी हेल्प करने के लिए। आखिरकार वो अपने स्कॉट बॉय को ऐसे तो नहीं जाने दे सकता, अगर वो उसे पे कर रहा है तो उसे उसकी सर्विस भी तो चाहिए। बेचारा इबो, उसने शाहजहान को पूरा पूरा काम करके दिया, जिसके बाद जैसा कि शाहजहान ने प्रॉमिस किया था, वो नाइट इवो के लिए अगेन एक मेमोरेबल नाइट बन गई। इवो को वैसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि शाहजहान घर को कैसे संभालता है, वैसे भी कल से वो कहाँ घर में रहने वाला है। ये सोचते हुए इवो उस टाइम तो सो गया। उसकी आफ्टर केयर करने के बाद शाहजहान भी उसे कड़ल करके सो गया। इवो को इस बार पूरी तरह बेहोशी की तरह नींद नहीं आई थी, तो वो समझ सकता था कि शाहजहां ने उसे कड़ल किया है, पर उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं बची थी कि वो जान को खुद से दूर कर सके। तो वो बस वहीं आंखें मूंद कर लेट गया, और उसे कब नींद आई उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह उसकी जब आंखें खुली वो बिल्कुल फ्रेश था, 3 दिन की छुट्टी के बाद ट्रैक पर जाने के लिए एक पांव पर तैयार। पर उससे भी अजीब बात ये थी कि शाहजहान अभी भी उसके बगल में नहीं था, शायद से वो बाथरूम में होगा, इबो ने सोचा। कुछ देर तक तो वो वैसे ही लेटा रहा, पर जब उसे कोई आवाज़ तक नहीं आई तो उसने उठकर देखा तो बाथरूम बिल्कुल खाली था। तो अब इबो फ्रेश हुआ, और जब उसने बाहर आकर देखा तो उसका वेलकम सबसे पहले तो एक बेहतरीन खुशबू ने किया। उसने तुरंत किचन में जाकर देखा, शाहजहान वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बना रहा था और काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। इबो का तो मन कर रहा था कि ब्रेकफास्ट चाहे पहाड़ में, मैं तो इसे ही खाकर पेट भर लूँगा। आई एम नॉट ईटेबल, एडिबल तो चीज़ें यहाँ रखी हुई है, तुम खा सकते हो, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। शाहजहां ने जैसे इबो के मन की बात सुनते हुए कहा। इबो ने कहा, मुझे नहीं पता था मुझे एस्कॉर्ट के साथ साथ एक फ्री का कुक भी मिल जाएगा। शाहजहां ने चौंक कर इबो की तरफ देखा। इबो ने कहा, ओ शायद से मैंने फिर से बकवास कर दी। कहने का तो इबो मजाक कर रहा था, पर यह बात शाहजहां के दिल पर लगी, उसकी आंखों में एक दर्द सा झलका। तो इबो को भी अपनी बकवास पर बहुत बुरा लगा, पर शाहजहां ने उसे कुछ कहा नहीं। शायद से वो अभी तक इस पोजीशन में नहीं आया था कि वो इबो के साथ मजाक कर सके या फिर इबो को टोक सके। और जैसे कि इबो सोच रहा था, वो
वो शाहजहां को पे कर रहा था और शाहजहां उसी की वजह से यहाँ पर रह रहा था। तो क्या हरकत है कि अगर ये वो खुद को मालिक समझता है और शाहजहां को अपना सर्वेंट, ठीक है, शाहजहां ने शायद ये एक्सेप्ट कर लिया और वो इबो को सर्व करने लगा। अचानक से इबो आगे आते हुए बोला, और रुको, मैं हेल्प कर देता हूँ। पर शाहजहां ने उसकी बात नहीं सुनी, वो चुपचाप सारी चीज़ें टेबल पर रखने लगा। तो इबो को काफ़ी गिल्टी फील हुआ। वो अचानक से शाहजहां का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो आई एम सॉरी, मैं कभी कभी मुँहफट हो जाता हूँ, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुम आराम से यहाँ रह सकते हो, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। शाहजहां ने कहा, सच में? इबो ने कहा, यस प्रॉमिस। उसने तीन उंगलियाँ उठाकर अपने माथे पर रख दी और कहा, मैं वांग इबो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शाहजहां को अब से कभी भी अपना सर्वेंट नहीं समझूंगा, हम फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है? शाहजहां ने कहा, फिर ठीक है। अब उसने इबो को सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे सारी चीज़ें कैसे कहाँ पर रखनी है। इबो ने पहले कभी काम किया तो नहीं था, पर उसे शाहजहां के साथ ये सब करना अच्छा लग रहा था, तो उसने भी सारी बातें फॉलो की। जिसके बाद दोनों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद इबो ने शाहजहां से रिक्वेस्ट की कि वो कॉफ़ी भी पीना चाहता है। तो शाहजहां ने कहा, ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, पर फिर हम एक्सप्रेसो मशीन लेंगे। इबो ने कहा, वेल ठीक है, जैसा तुम सही समझो। अब इबो अपने रूटीन में चला गया और शाहजहां अपने रूटीन में। दोनों का टाइम ऐसे ही साथ में बीतने लगा। उनके घर में शाहजहां के डिमांड के मुताबिक एक्सप्रेसो मशीन भी आ गई। फिर इबो को डेली फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी भी मिलने लगी। अब ना तो उसे खाली पेट ड्रेसेस करने की ज़रूरत थी, ना ही लंच टाइम के लिए इधर उधर रेस्टोरेंट ढूंढने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे लंच बॉक्स भी शाहजहां बनाकर ही भेजता था। इबो की लाइफ ऑल इन ऑल बहुत अच्छी जा रही थी। बस कभी कभी इबो का ईगो ऐसे फन ऊपर करता था, पर शाहजहां को उस फन को कुचलना बहुत अच्छे से आता था। एंड में जाकर इबो ही शाहजहां के सामने एम्बेरस होता था, गिल्टी फील करता था और फिर पैचअप करता था। तो सब कुछ सही ही जा रहा था, बस शाहजहां धीरे धीरे सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इबो की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा था, इबो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तो शाहजहां ने अब इबो को अच्छे से लत लगा के रखी थी, उसके हाथ के खाने की, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। ऐसे ही एक दिन संडे इवनिंग को जब इबो और शाहजहां अपने लिविंग रूम में सोफा पर लेटे हुए थे, इबो ने अचानक से शाहजहां से पूछा, वैसे जानकर आपकी हॉबी क्या है? क्यों? शाहजहां ने पूछा। इबो ने कहा, ऐसे ही, आप घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना, तो मैं सोच रहा था क्यों ना कोई आपकी हॉबी भी मैं आपको परस्यू करने के लिए कह दूँ। शाहजहां ने कहा, वेल ज़्यादा कुछ नहीं, बट मुझे ग्राफिक्स करना अच्छा लगता था, ड्राइंग मेरी हॉबी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इबो ने कहा, पर आपने कभी इस बारे में कहा क्यों नहीं? शाहजहां ने कहा, वो बहुत पुरानी बात है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना लास्ट स्केच कब बनाया था। इबो ने कहा, ऐसे कैसे? अगर ये आपकी हॉबी है तो मुझे लगता है इसको थोड़ा बहुत चमकाना भी ज़रूरी है। क्यों ना आप आईपैड पे कोशिश कर लो, या फिर हम कैनवास भी ला सकते हैं। शाहजहां ने कहा, क्या बात है इबो, आजकल तुम अपने हस्बैंड पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं। इबो ने तुरंत शाहजहां के चेस्ट पर आते हुए कहा, क्या करें, मेरा हस्बैंड है ही लाखों में एक, और मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना अपना दिल भी मैं अपने हस्बैंड को दे ही दूँ, ज़्यादा सेफ रहेगा, बेटर डील। शाहजहां ने चक्कर करते हुए कहा, देख लो कहीं मैं तुम्हारा दिल ना तोड़ दूँ। इबो ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर इतने महीनों में आपने मुझे इतने अच्छे से संभाल कर रखा है तो आप आगे भी रखोगे लाइफ टाइम के लिए। शाहजहां ने बस स्माइल करके इबो से कहा, बस इस बात पर भरोसा रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी।
इबो ने कहा। उन दोनों की दोस्ती ने कब प्यार का रंग ले लिया दोनों को भी पता नहीं चला। बस एक दूसरे का इमोशनल सहारा बनते बनते, अट्रैक्शन के हर्डल्स को पार करते करते दोनों का बॉन्ड बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगा। पर क्या ये मजबूती सच्ची थी? क्योंकि जब भी हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, कोई ना कोई ऐसा टेस्ट देना होता है जिसे तप कर ही, जल कर ही हम अपने प्यार को, अपने रिश्ते को अगले मुकाम तक ले जा पाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इबो के साथ। अचानक से एक दिन उसे काफ़ी नॉशियस फील होने लगा और ये कंडीशन इबो भी एक्सपेक्ट कर रहा था। आजकल उसे इतने सारे बेबीज़ के सपने जो आ रहे थे, उसे हर जगह बेबीज़ ही दिखाई दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो गया था कि कहीं वो चांस तो नहीं लेने वाला। हाँ, इबो एक स्पेशल मेल था और इसी वजह से शायद वो इतना एंटिक पीस बन गया था, किसी की भी बात नहीं सुनता था। तो एज एक्सपेक्टेड इबो ने अपने टेस्ट कराया और उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। वैसे तो इबो समझ नहीं पा रहा था कि इस चीज़ को उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। उसके पसंदीदा मैन के साथ उसके बेबीज होने जा रहे हैं, ट्विंस, बट वो थोड़ा सा एंशियस भी है कि सब कुछ सही से तो होगा ना। ऊपर से वो ये भी नहीं जानता कि जान इस चीज़ को कैसे लेगा। फिर भी उसने ये बात जान को तो बतानी ही थी, पर बताए कैसे। इसी कश्मकश में 2 दिन निकल गए। इबो के रेस का दिन आ गया और आज इबो चाहता था कि जान उसके साथ उसकी रेसिंग में शामिल हो। इबो पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करते कि हाँ, वो भी किसी को बिलोंग करता है, अपने हस्बैंड को, और अब से वो रेसिंग से एक ब्रेक लेने वाला है। दुनिया के लिए तो ये इबो का हनीमून फेज होगा जो वो अपने हस्बैंड के साथ बिताएगा, पर बस इबो ही जानता था कि एक्चुअल में वो और उसके जान का दोनों मिलकर उनके बेबीज़ को ग्रो करेंगे। फिर वो अपने बेबीज़ के साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करेगा और उसके बाद अपने कुछ नए करियर ऑप्शंस के बारे में सोचेगा। इसलिए उसने पहले से ही अपने मैनेजर से कहकर अपना घर अच्छे से डेकोरेट करवाया। उसका जो स्पेयर रूम था वो उसने बेबी रूम बनाने के बारे में सोचा था। खैर, वो जानका के साथ अपने बेबी के लिए रूम तो अलग से बनाएगा, पर अभी के लिए वो बस उस रूम में कुछ बहुत सारे बलून का डेकोरेशन करके जानका को ये बताना चाहता था कि वो जानका के ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। तो इबो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। साथ में वो पहली बार जान के साथ रेसिंग ट्रैक पर आया था, तो वो वहाँ पर ही पूरी दुनिया को ये अनाउंस करने वाला था कि वो मैरिड है, वो भी फेमस आर्टिस्ट शाहजहां से। हाँ, उसे इतना फेमस तो नहीं कह सकते, पर जैसे ही इबो ने शाहजहां को वो कैनवास ला कर दिए थे, उसके बाद ही इबो अपने जानका के पीछे पड़ा था कि जान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और उसे अपने स्किल्स को और बेहतर करना चाहिए। वो एक आर्ट गैलरी को अप्रोच कर सकते हैं, शाहजहां की पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा सकते हैं। शाहजहां बहुत फेमस हो जाएगा। शाहजहां तो वैसे अपने डोमेस्टिक लाइफ में खुश था, पर वो इबो को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए बस कुछ यहाँ वहाँ स्केचेस, पेंटिंग्स बनाया करता था। पर इबो ने अपने हस्बैंड को बिना बताए उसके कुछ पेंटिंग्स अपने पहचान के एक आर्ट गैलरी में दिखा दिए थे और उन लोगों ने डेट भी फिक्स कर ली थी शाहजहां की पेंटिंग के एग्जीबिशन के लिए। हाँ, ये एक और सरप्राइज़ था जो इबो शाहजहां को देना चाहता था, बट वो बाद में, पहले तो ये वाला सरप्राइज़, ताकि एक बार अगर लोगों को पता चल जाए कि इबो ने शाहजहां को चुना है तो ऑब्वियसली शाहजहां को तो ट्रेंडिंग में आना ही है। उसके बाद उसकी आर्ट एग्जीबिशन भी अपने आप ही ट्रेंडिंग में आ जाएगी। और इबो को यकीन था कि उसके जानका बहुत फेमस होने वाले हैं, बिल्कुल उसी की तरह। वेल, इसीलिए
इबो ने इस बार खास मेहनत की और रेस में फर्स्ट आया। और जैसा कि उसने सोचा था, वह हर बार एक ही डायरेक्शन में दिख रहा था, अपने सांगा की तरफ। फिर जैसे ही उसने अवार्ड लिया, उसने वो ट्रॉफी भी शाहजहान की तरफ ही वेव की। इतने सारे फ्लाइंग किसेस, इतने सारे इशारे, ताकि सब लोग उस तरफ देखने में मजबूर हो जाए, पूरे मीडिया का अटेंशन उस तरफ मिले। और इबो का प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, सब लोग अब शाहजहान की तरफ ही देखने लगे। रेस ख़त्म हुई और सारे विनर्स अपने अपने जगह पर चले गए। और अब बारी थी इबो के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे तो इबो ने सोचा था कि वो और जानकब अगल बगल में बैठे होंगे, सामने मीडिया होगी और कुछ फैंस होंगे, जिसके सामने इबो ये डिक्लेयर कर देगा कि वो मैरिड है शाहजहान के साथ। पर हुआ कुछ अलग ही। उसने पाया उस भीड़ में उसकी फैमिली भी है और मीडिया भी कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर सिर्फ पैप्स नहीं है, कुछ नेशनल टेलीविजन के भी रिपोर्टर्स हैं। ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बस इतना ही नहीं, कुछ काफ़ी बेहतरीन बिजनेसमैन भी दिखाई दे रहे हैं। इबो को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ में उसके आर्ट गैलरी के ओनर भी थे, उस ऑर्फनेज के मैनेजर भी थे। ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ तो इबो को समझ नहीं आ रहा था। पर उसने जैसा कि सोचा था, वो तो आज सबके सामने ये अनाउंस करने वाला था कि वो मैरिड है। वो बिल्कुल जोश के साथ अपनी ट्रॉफी लेकर भागते हुए शाहजहान की तरफ जाने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ा और पूरी मीडिया के सामने चिल्ला कर कहा कि ये ट्रॉफी मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करता हूँ। इबो को ऐसा लगा था उसके सामने बहुत सारे माइक्स आएंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे साइड कर दिया गया और वो सारे माइक्स आए उसके हस्बैंड उसके झनगा के सामने। क्यों? क्या उसके हैंडसमनेस के आगे इबो की इस फर्स्ट प्राइज़ की भी कोई वैल्यू नहीं है? ओह, इबो ने मुंह फुलाया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इबो बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया। सभी लोग पुकारने लगे, मिस्टर शाओ, क्या ये सच है? सच में ट्रेसर 85 आपका हस्बैंड है? क्या इसी वजह से ट्रेसर 85 की शादी लास्ट कॉल पर कैंसिल हुई थी? क्या उसने आपके साथ शादी करी थी? आपकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई? टेल अस मिस्टर शाओ। इबो समझ नहीं पा रहा था, सांगा को इतना फुटेज क्यों मिल रहा है यार? रेस तो उसने जीती है ना। माना कि सांगा हैंडसम है, पर ऐसे थोड़ी होता है। तभी कुछ और सवाल आए, क्या बाकी शादियों की तरह अब शाओ इंडस्ट्रीज और फांग इंडस्ट्रीज भी कोलैब करेंगे? क्या ये मैरिज भी बस एक बिजनेस डील है? ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से इबो के छोटे से दिमाग में घुस रही थी। मिस्टर शाओ, शाओ इंडस्ट्रीज, क्या ये शाहजहान सच में शाओ इंडस्ट्रीज का मालिक तो नहीं? OMG! अचानक से इबो को ऐसा लगने लगा कि उसके साथ मजाक हुआ है बहुत बुरी तरीके से। इतने टाइम से वो शाहजहान के साथ था, लगभग एक साल से, क्या उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इबो को कितना एम्बेरसमेंट होगा सब लोगों के सामने, जब उसे पता चलेगा कि उसका हस्बैंड वो है ही नहीं जो कि वो सोच रहा है? इधर शाहजहान स्माइल के साथ सबको कह रहा था, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और इबो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लगभग एक साल से साथ हैं। पर शायद से उसकी ये सब बातें इबो को सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बिट्रायल का दुख इतना ज़्यादा था कि वो बस एक एक कदम पीछे चलते जा रहा था और शाहजहान भीड़ से निकल नहीं पा रहा था। इबो की आंखें भर आई थी, उसने कितना कुछ सोचा था अपनी लाइफ के बारे में। वो इन सब अमीरों के झंझट से दूर रहेगा, अपनी छोटी सी फैमिली बसाएगा अपने जानका के साथ। पर जानका ने तो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इबो को एक पल में ही कुछ पराया कर दिया, कुछ ऐसा। क्या इबो सच में ये सब डिज़र्व करता है? ये सब सोचते हुए
कि वो बस वहाँ से जा रहा था अपने घर की तरफ। वो जैसे ही घर में पहुँचा, उसने पाया उसका घर कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, जगह जगह बेबीज़ के पिक्चर्स लगे हुए हैं। वो सब कुछ जानक को बताना चाहता था, पर शायद से अब कभी नहीं बताएगा। इनफैक्ट वो जानका को कभी भी माफ़ नहीं करेगा, कभी अपनी लाइफ में जगह नहीं देगा। एक छोटे मक्कार आदमी की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। ये वो अपने गुस्से में तिलमिला रहा था, चल रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बस वो डेकोरेशन पूरी तरह से फाड़ना चालू किया, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। इधर शाहजहाँ ने जैसे ही नोटिस किया कि वो वहाँ पर नहीं है, तो वो परेशान हो उठा। वो आज की इस प्रेस मीट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने भी उसे कहा भी था कि वो बस छुप कर रहेगा। उसने मास्क लगाया था, कैप पहनी थी, ताकि कोई भी उसे नहीं पहचाने। लेकिन जो उसने सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। पता नहीं कैसे उसके इन-लॉज को पता चल गया और उन्होंने पूरे मीडिया के सामने इतना सब कुछ तमाशा करके रख दिया। अगर शाहजहाँ खुद चाहता, जानता होता, तो वो बस अपने एक इशारे पे सब कुछ चुप करा सकता था। वैसे उसने किया भी, उसने सारे पेप्स को बताया कि इसमें से एक भी न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक कि वो ऑर्डर नहीं देता। और अब वो किसी भी हालत में बस ईबो को समझाना चाहता था। वो तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा और पाया दरवाज़ा अंदर से बंद है। शुक्र है कि उसके पास एक स्पेयर की थी, तो उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया तो पाया ईबो अंदर के डेकोरेशंस के साथ लड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, सारी चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है। कुछ चीज़ें तो शाहजहाँ को लगते लगते बची, फिर भी वो आगे बढ़ा और जाकर सीधा ईबो को गले से लगा लिया। पर ईबो ने उसे धक्का देकर दूर किया और उस पर चिल्लाने लगा, तुम छूटे हो, मक्कार हो, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे अनजान रखकर अपनी पूरी लाइफ बिताओगे। तुमने कसम खाई थी ना, तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे, क्या इस तरह से रहने वाले थे? कितने चेहरे हैं तुम्हारे, मेरे पीठ पीछे क्या कुछ करते हो। मैंने तो आँख मूंद कर तुम पर भरोसा किया था, खुद को तुम्हें सौंप दिया था, पर तुम बहुत बुरे निकले, बहुत बुरे। मैं तो तुम्हें आज ही बताने वाला था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, लेकिन तुम अचानक से ईबो के होंठों को सील कर दिया गया और ईबो बिल्कुल शांत हो गया। उसके अंदर जितने भी तूफान उमड़ रहे थे अचानक से वो पॉज हो गए। ईबो एक पल के लिए बिल्कुल सहम गया, शांत हो गया और जान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बिट्रायल का दर्द तो उसके दिमाग में था, पर फिर भी जान का उसे ऐसे कसकर गले से लगा लेना, उसके होंठों पर अपने होंठ रखना और किस से उसके लिप्स लॉक कर देना, ये तो ईबो की कमज़ोरी थी। उसके पैर तुरंत ही नूडल्स बन जाते थे और जान शायद इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था फिर से एक बार। पर ईबो चाहकर भी जान को मना नहीं कर पा रहा था। जब जान ने ईबो को इतनी देर तक किस किया कि ईबो के दिमाग से सारे निगेटिव चीज़ें, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी निकल जाए, तब तक जान ने उसे नहीं छोड़ा। और फिर ईबो उसकी चेस्ट पर मारते हुए उसे अलग होने की कोशिश करने लगा। जब उसे सच में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी, वरना तो वो अपने बेबीज़ को क्या जवाब देगा कि उसके पापा ने उन्हें ऐसे ही मार दिया बिना ऑक्सीजन के किस करते हुए, ये तो नहीं हो सकता। तो ईबो बस जान से अलग हुआ। वो अभी भी बहुत बुरी तरह से रो रहा था, तो जान ने उसे फिर से गले से लगा लिया, उसके पीठ पर हाथ फिराने लगा। ईबो ने कहा, आप बहुत बुरे हो जान का, आपने मुझे धोखा दिया। शाहजहाँ ने कहा, पप्पी कभी तो मुझे बात करने दो, इस पूरे साल तुमने कभी भी मुझे मौका दिया है बात करने का, जब चाहे तब बकवास करते रहते हो, नींद में भी। मैंने कितनी बार कोशिश की तुम्हें ये बताने की कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, शायद से तुम्हें और भी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। कभी तुम मेरे साथ न्यूज़ देखते थे? कभी भी नहीं। कभी न्यूज़पेपर रीड भी करते थे?
कभी भी नहीं। मुझे इतने सारे कॉल्स आते थे, तुमने कभी भी क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि कौन ऐसा पर्सन है जो मुझे इतनी बार कॉल करता है? मैं इतनी सारी बातें करता था कॉल पर, तुमने कभी भी ध्यान दिया? एवो ने बस मुंह फुलाकर मना कर दिया। फिर बुदबुदाया, मुझे लगा आपके दोस्त होंगे, शाहजहां ने कहा। मेरा पप्पी हस्बैंड, तुम और तुम्हारे ख्याल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पर चलो, क्या अब मैं तुम्हें अपनी कहानी बता सकता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? इवो ने कहा। ओके। अब शाहजहां ने इवो को गोद में लिया और सोफा पर बैठ गया। इवो ने कहा, पर आपने उस दिन वेटर के कपड़े क्यों पहने हुए थे? शाहजहां ने कहा, ओ हमारी फर्स्ट नाइट पे? इवो अचानक से पूरा लाल हो गया। हाँ, उसने कहा। अब वो शर्म के मारे जान से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था, बस उससे लिपट कर उसके कंधे पर सर रख के लेटा हुआ था। शाहजहां ने कहा, क्योंकि वो ड्रेस कोड था उस पार्टी का। एक्चुअली पर्पल लोटस में हम एक दिन अपने स्टाफ के लिए पार्टी करते हैं, तो सब लोग स्टाफ के जैसे कपड़े पहनते हैं। इवो ने कहा, पर आप तब तो मेरा कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते थे ना? शाहजहां ने कहा, अगर आपके सामने डिनर की प्लेट रखी हुई हो, आप भूखे हो और डिनर खुद चाहता हो कि वो आपके मुंह में चला जाए, तो क्या आप तब भी मना करोगे? इवो ने शान के चेस्ट पर मारते हुए कहा। अच्छा एग्जाम्पल तो देते, शान ने कहा। मेरा हाल कुछ ऐसा ही था, तो बस यही एग्जाम्पल याद आ गया, इवो ने कहा। पर उसके बाद तो कह सकते थे सुबह, शाहजहां ने कहा, क्योंकि मुझे मीटिंग थी, मुझे जाना था। इवो ने कहा, पर ऑर्फन एज में? शाहजहां ने कहा, वो ऑर्फन एज भी शाह एम्पायर ऑन करता है, तो मैं बस रूटीन चेकिंग के लिए गया था। वैसे भी मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है, इवो ने कहा। पर आप शादी के लिए मान गए? शाहजहां ने कहा। इवो इवो मेरे बुद्धू पपी, जब हमारी फर्स्ट नाइट हुई थी उसी के बाद मैंने मामा पापा से कहकर तुम्हारे घर प्रपोजल भिजवाया था शादी का, पर तब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी फिक्स हो गई है, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, इसलिए तो मैं ऑर्फनेज गया था अपनी टेंशन दूर करने के लिए। और वहाँ पर तुम सामने से आए, मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अब ऐसे मौके को मैं कैसे छोड़ सकता था? इन्होंने कहा, पर शादी के बाद तो बता सकते थे कि आप दी शाहजहां हो। शाहजहां ने कहा, क्यों बताता, तुम मुझे इतने नॉर्मल वे से ट्रीट करते थे, मुझसे इतना प्यार करते थे, और जैसे कि तुम्हें रहना पसंद है पूरी रईसी से दूर, मुझे तुम्हारा तरीका काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसे ट्राई करना चाहता था। इवो ने कहा, पर फिर प्रेस को क्यों बुलाया? शाहजहां ने कहा, मैंने नहीं बुलाया, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर प्रेस आने वाली है, मैं तो मास्क लगा के गया था ना। इवो ने कहा, पर फिर भी मेरे पेरेंट्स कैसे आए? शाहजहां ने कहा, शायद से उन्होंने खुद ही इस बात को तहकीकात करके पता लगाया होगा कि तुम्हारी रेस होने वाली है, मैं आने वाला हूँ, या शायद से किसी और सोर्स से पता चला होगा। इवो ने कहा, पर फिर मेरा सरप्राइज बर्बाद हो गया। शाहजहां ने कहा, ओह ये तो हम अभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? इवो ने कहा, हाँ एक्चुअली मैं स्पेशल गेस्ट हूँ। उसने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि शाहजहां इस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करेगा। पर शाहजहां इवो को कुछ बोले बिना सीधा उठ गया, इवो अभी भी उसके गोद में था। उसने इवो को पूरा 360 डिग्री घुमाया और फिर उसे गले से लगाते हुए कहा, इवो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, पता है जब से तो मेरी लाइफ में आए थे मुझे एक ही रिग्रेट था कि हमारे बेबीज नहीं होंगे, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ अडॉप्ट कर लूँ बेबीज को ऑफनेज से, लेकिन तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मॉम डैड भी यहाँ आने वाले हैं, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि अब से हम दोनों के पेरेंट्स हमसे मिलने आ सकते हैं,
और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर तो उनकी खुशी की ठिकाना ही नहीं रहेगा। इबू ने कहा, क्या आपको डिस्कस नहीं हो रहा? शाहजहाँ ने कहा, किस बात का डिस्कस? इबू ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, मेरी बेली इतनी बड़ी हो जाएगी, वो भी ट्विंस के साथ। शाहजहाँ ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें बिल्कुल राउंड राउंड देखना। इबू ने कहा, आप बहुत बुरे हो। शाहजहाँ ने कहा, वो तो मैं हूँ और इसलिए तो तुम मेरे पीछे इतने पागल हो। इबू ने कहा, वो भी है, पर पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ, उसने कहा, पर आपने मुझे धोखा दिया है और इस बात को मैं भूलूंगा नहीं, चुन चुन कर बदला लूंगा। तभी अचानक से शाहजहाँ ने इबू के बम को ज़ोर से स्क्वीज करते हुए कहा, अच्छा तो चलो लेकर दिखाओ। अनफॉर्चुनेटली इबू काफ़ी सेंसिटिव हो चुका था, तो मुंह से कोई आवाज़ निकलने के बजाय वो ज़ोर से मौन कर उठा और यहीं पे शाहजहाँ की विक्ट्री हुई। तो वो चुपचाप इबू को लेकर बेडरूम की तरफ चलने लगा, उसे टीज करते हुए। और इबू एज यूजुअल बहुत सारी बकवास करते हुए, कुछ शिकायतें, कुछ डर, कुछ परेशानियाँ, कुछ प्राउड कि उसका हस्बैंड अब पहले जैसा नहीं रहेगा, उसे प्यार नहीं करेगा, या फिर उसके पेरेंट्स आएंगे तो क्या होगा, या फिर अब उसे मिसेस शाओ के सबके सामने इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो आज के अनाउंसमेंट में भी जान को सबमिसिव दिखाना चाहता था, खुद डोमिनेंट दिखना चाहता था, इसलिए तो उसने जान को वाइट कलर के कपड़े पहनने को बोला था ताकि वो सबके सामने फ्लेक्स कर सके। पर हुआ कुछ उल्टा ही, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। वेल, ना तो इबू की शिकायतें ख़त्म होने वाली थी, ना ही जान किसी चीज़ के लिए मना करने वाला था। वो बस सर हिलाते हुए इबू की सारी बातें सुन रहा था और उसे बहुत सारा प्यार भी कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।